इस समय राखी सावंत का एक फुटेज इंटरनेट पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस फुटेज के अंदर राखी सावंत पाकिस्तान के झंडे को अपनी बॉडी के ऊपर लपेटे हुए नजर आ रही हैं। कई लोग इसे ये कहते हुए शेयर कर रहे हैं कि ये देश के साथ गद्दारी है, क्योंकि आप एक दुश्मन देश के झंडे को इस तरह से अपने ऊपर लपेटे हुए हैं। लेकिन असल में ये पूरी कहानी है क्या और ये कहां से शुरू हुई, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी कुछ समय पहले ही कंगना रनावत ने मुंबई को POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा था, यानी कि उन्होंने मुंबई की कंपेयर पाकिस्तान से कर दी थी। मतलब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने इतना ज्यादा लो बताया था कि उन्होंने उसकी कंपेयर पाकिस्तान से कर दी थी। अब इन्हीं सब बातों को लेकर बॉलीवुड की कई सारी सेलिब्रिटीज और कई सारे लोग जो थे कंगना रनावत के सपोर्ट में आए और कई लोग इनके खिलाफ बोले, और जो लोग इनके खिलाफ बोले थे उनमें राखी सावंत का नाम भी शामिल है। अब राखी सावंत ने इंटरनेट पर एक वीडियो शेयर किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कंगना रनावत ने इस तरह से मुंबई को जो पाकिस्तान से कंपेयर किया है ये एक तरीके से बहुत गलत किया है और उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था। अब उन्होंने इसमें क्या कहा था ये आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। मैंने भी बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत नाम मिला, बहुत शोहरत मिली, बहुत काम मिला, लेकिन एक वक्त के बाद बॉलीवुड लोग आपको भूल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉलीवुड को गाली दूं, मेरी कर्म भूमि है, मैं उनको सर आंखों पर रखती हूं। और जब ईश्वर ने हर इंसान को एक समान बनाया है तो एक लड़की कौन होती है, मिस कंगना मैं आपके बारे में बात करूं। अब राखी सावंत के इस वीडियो को जारी करने के बाद इंटरनेट पर राखी सावंत की ये वाली फोटो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रही है और जिसमें कहा जा रहा है कि राखी सावंत पाकिस्तान का झंडा अपने ऊपर लपेटकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है एक तरह से। लेकिन असल में इस फोटो के पीछे की सच्चाई ये है कि असल में ये एक राखी सावंत की फिल्म का शूट है जिसके अंदर राखी सावंत किसी पाकिस्तानी लड़की का रोल कर रही थी। अब उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, इसके बारे में भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उसमें वो क्या कह रही है ये आप खुद ही सुन लीजिए। जो तुम नेट से निकाल के पाकिस्तानी फ्लैग के साथ जो मेरा वीडियो वायरल कर रहे हो ना, वो मेरी फिल्म का कैरेक्टर है जिसमें मैं पाकिस्तानी रोल कर रही थी। फिल्म का नाम है मुद्दा 370 जो कश्मीर पे फिल्म बनी थी, समझ में आया? सो ये टिच्चापन बंद करो, समझ गए? जिस टुच्ची का और जो गर्दुल्ली चरसुल्ली तोतली का जो सपोर्ट कर रहे हो ना, एक दिन सच्चाई पता चलेगी। अरे उसने तो किसी स्टार को नहीं बख्शा, बॉलीवुड को नहीं बख्शा, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया उसको नहीं बख्शा, ये पॉलिटिकल पार्टी को क्या बख्शेगी वो। तो बस यहीं पर सारा जो झगड़ा है वो शुरू हुआ था, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसको पॉलिटिकल मैटर से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि कंगना रनावत जो है वो बीजेपी की सपोर्टर है और कई सारे बीजेपी पॉलिटिशियंस को वो सपोर्ट भी करती हैं और उन्हें फॉलो भी करती हैं ट्विटर पर। अब यहां पर ये एलिगेशन लग रहा है कि क्योंकि राखी सावंत ने कंगना रनावत के खिलाफ बोला था तो एक तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला था, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा एलिगेशन है। तो इसीलिए बीजेपी की जो सपोर्टर थे और इसीलिए कंगना रनावत के जो सपोर्टर थे उन्होंने इस तरह से राखी सावंत को उनकी फिल्म के शूट से एक सीन निकालकर इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की। तो सब बातों को लेकर इंटरनेट पर ये चीजें वायरल चल रही हैं और इसके पीछे की सारी सच्चाई ये थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।